हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू आप अपने डेबिट कार्ड को रीइश्यू कैसे करा सकते हैं, डेबिट कार्ड अगर आपका खो गया तो उसे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, एंड बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप पर ही मिल जाएगी और बहुत ही ईजी वे में सब कुछ हो जाता है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली 3-4 दिन पहले ऑर्डर भी किया था, अपना रीइश्यू करवाया था डेबिट कार्ड, क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड गुम हो गया था एंड वो विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर मेरे घर पे आ चुका है। एंड उसका सारा कुछ मैं स्टेटस भी दिखाने वाला हूँ इसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ डैशबोर्ड आपका हो जाएगा लॉगिन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, सिंपली इस पर आपको जाना है, डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डिटेल दिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी कुछ है और यहाँ पे रीइश्यू डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। और दूसरा, अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड ब्लॉक का ऑप्शन है। कार्ड ब्लॉक के ऑप्शन पे जाके आप कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, मैं दिखाई देता हूँ आपको कार्ड ब्लॉक कैसे करना है। यहाँ पर जाएंगे, अपना कार्ड सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिसे भी ब्लॉक करना चाहते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक है वो कार्ड नंबर यहाँ सेलेक्ट करें, परमानेंट सबमिट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ओटीपी जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका कार्ड ब्लॉक का प्रोसेस। तो ये उस सिचुएशन में जब आपका कार्ड गुम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कार्ड गुम हो गया, उसको आपको रीइश्यू कराना है डेबिट कार्ड, यानी आपको डेबिट कार्ड दोबारा चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप रीइश्यू डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको सेविंग बैंक अकाउंट नंबर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली कस्टमर नेम अपने और नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, ये जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वॉज योर प्रीवियस कार्ड लिंक टू एनी अदर अकाउंट, अगर है तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नो। तो नॉर्मली ये नो ही होता है क्योंकि आपका डेबिट कार्ड कोई और अकाउंट से लिंक होता नहीं है, वो एक ही अकाउंट से लिंक होता है। तो यहाँ पे नो कर देना सिंपली। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको दिख जाएगा यहाँ कन्फर्मेशन के लिए, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली सबमिट करना है, सबमिट करते ही आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद चार्जेस पर अगर आप चेक करेंगे तो रीइश्यू जब भी आप डेबिट कार्ड कराते हैं तो 200 रुपये प्लस GST आपका चार्जेस होता है नॉन ग्रामीण लोकेशन के लिए, और ग्रामीण लोकेशन यानी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर 99 रुपीज़ प्लस GST आपका कार्ड लगता है। और अगर आप 2 बार कार्ड अप्लाई करते हैं मिस्टेक से तो जो आपको पहले वाला कार्ड रहेगा वो ब्लॉक हो जाता है और नया कार्ड आने के बाद, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब मैं दिखाता हूँ आप चेक कैसे करेंगे, यानी ट्रैक कैसे करेंगे कि आपका कार्ड पहुँचा या नहीं पहुँचा। सिंपली आपको बैंक जाना है, बैंक जाने के बाद यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेक स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे आप एंड ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आपको सिंपली जाना है। जितनी भी है ओपन सर्च कर देना है आपको सिंपली। तो यहाँ पे मेरा कोई भी ओपन नहीं है तो मैं क्लोज में एक बार देख लेता हूँ। देख सकते हैं ये मैंने कब रिक्वेस्ट किया था, 15 दिसंबर 2022 को मैंने सर्विस रिक्वेस्ट नंबर क्रिएट किया था और ATM डेबिट कार्ड रीइश्यू रिक्वेस्ट था मेरा और ये अकाउंट नंबर से लिंक था, ठीक है। और देख सकते हैं उसके बाद मैंने PPF के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट क्रिएट किया था, वो 2019 की बात है। उसके बाद कंपनी इंप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सारा कुछ आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 15 दिसंबर को जो रिक्वेस्ट रेज हुआ था उसका मैं अभी आपको कंफर्मेशन भी दिखाता हूँ। यहाँ पे बैक जाके चेक स्टेटस में जाऊँगा, ट्रैक डिलीवर्स में मैं जाऊँगा यहाँ पे और सबमिट कर दूँगा सिंपली। तो आप देख सकते हैं ये 19 दिसंबर डिस्पैच डेट 17 दिसंबर 2022 को डिस्पैच हुआ था एंड 19 दिसंबर 2022 को मुझे ये डेबिट कार्ड मिल चुका है। इसका मैं जब अनबॉक्सिंग करूंगा डेबिट कार्ड का तो उसका भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के वीडियो में देते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ICICI मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो उसके रिलेटेड बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।